हीरे चलेगा ना? भटवाड़ी से निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं सीधे, रुकेंगे हर्षिल नहीं तो गंगनैनी। अभी झरना आ रहा है भाई, भाई कैसे ठंड रहती बहुत है। अभी हम गंगनैनी से 2 किलोमीटर दूर है, अगर जगह अच्छी थी तो रुक गए वैसे ही। बहुत खूबसूरत जगह है। अलग ही मज़ा है भाई, अलग ही ग्रीनरी है भाई, बहुत खूबसूरत है, वेरी ब्यूटीफुल। ये हमारे पवन बड़े भाई थकते नहीं है, कह रहा गौमुख भी जाऊंगा, गौमुख जाएगा और गौमुख चलेंगे। अभी हम पहुंचे हैं गंगनैनी, गंगनैनी कर रहे हैं नाश्ता, बारिश फिर चालू हो गई, फिर बारिश से चलना पड़ेगा। ये जंगली अखरोट है, बारिश बारिश और पहाड़ी इलाका। गंगनैनी से निकल गए, अब जा रहे हैं हर्षिल की तरफ। दिखाता हूँ अभी, बहुत तेज आवाज है, बहुत ही तेज आवाज, जय भोड़ेगी। ये देखो और पास से क्या बहाव है, डरा ही दे। गिरा है ना पानी? ये कह रहा पहाड़ ऊपर तक गिरे, मेरे को मैं नहीं आती हूँ। बहुत ही मज़ेदार जगह रुके हुए हैं, सब है, सबके मिल गए वरना पीछे रह जाते हर बार। हमारे ऊपर देखो अब ये टनल है, पता नहीं क्या है तो अगर बंद पड़ी है। कितना ऊंचा पहाड़, ये
ये है यहाँ कपल डली हुई या टूटी हुई, मगर सही है जो भी है। नीचे बहाव बहुत ज़बरदस्त, ऊपर हम भैया हिल रहा हूँ तो इस पुल के ऊपर आ दोगे मैं, डर लग रहा भाई, टूटा हुआ है जगह जगह से, लकड़ियाँ हिल रही हैं पूरी तरह, पर नीचे भाव है 100 की स्पीड, 100 की भी नहीं है, ज़्यादा ही है। भाव तेज है, बहुत तेज है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। फिर बारिश चालू, इस बार बारिश बहुत बहुत ज़्यादा है, पिछले बार नहीं थी, पिछले साल बहुत प्यारा मौसम था, बादल थे बस, पूरी तरह से भीग गए, पूरा बारिश भयंकर है। ट्रांसपेरेंट सर अब हद कर दी बारिश ने, बादल आ गए नीचे, अभी हर्षिल कोई बाकी है 5 किलोमीटर, पीछे बहुत बारिश थी, बहुत बारिश, इस बार तो बारिश ने ऐसा कर दिया है, झुका दिए। हर्षिल अजी, इस टाइम हम हर्षिल पहुंच गए हैं, हर्षिल पहुंच चुके हैं। ये हमारे गुरुजी, थोड़ा अच्छा साइड हो, ये हमारे गुरुजी है, ये हमारे गुरुजी है गड्डी गांव से, ये इन्हें अभी पदवी दी है गुरुजी की। जय भोले, आज से जो भी एक्सप्लेन जो भी करना होगा, कैसे रुकना, बिल्कुल बिल्कुल योग के रहिए, यही बताएंगे। अब साइड हो, ये हमारे बड़े भाई है, ये हमारे भाई पवन, पवन बड़े भाई है हमारे, गड़ी कार का गड़ी से हमेशा आते हैं, हमेशा आते हैं, इनके साथ ही मैं भी आता हूँ, छठे साल और ये डाक कार्ड में कह रहे जाने के लिए। ये है नज़ारे हर्षिल के, जिंदगी तो बनता है बहुत शांत, आगे पूरा अब जाएंगे हर्षिल, यहाँ पर सामने हर्षिल ही है 500 मीटर पे, उधर रास्ते रोटी वोटी खा के सीधा गंगोत्री। बारिश बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, इस बार थोड़ा मुश्किल है। ये है हर्षिल और यहाँ हमने खाया खाना पीना, भूख बहुत बुरी लग रही थी, और यहाँ पे एक मंदिर है उसे देखने जा रहे हैं, कल्प केदार। और कितने नीचे है यार, कल्प केदारनाथ मंदिर, कल्प केदार ऐसी तो केदारनाथ मंदिर भी था। जय हो नंदी। Yeah.
भाई प्राचीन मंदिर है काफी। सबसे ऊंचा होएगा सच में ही, बहुत प्राचीन मंदिर है। नीचे पानी के नीचे इसके द्वार है, लकड़ी भी प्राचीन है, ऐसा दिख नहीं रहा होगा। अब जा रहे हैं गंगोत्री की तरफ, आज गंगोत्री रुकेंगे और सुबह अगर मौसम ठीक रहा तो गौमुख। गंगोत्री से कोई 10 किलोमीटर पहले क्या व्यू है। पहुंच गए गंगोत्री, यह है गंगोत्री का गेट। कावड़िया जा रहे हैं कावड़ लेते हुए, डाक कावड़, ये गंगोत्री का एंट्री। गंगोत्री हम पहुंच गए हैं, रूम हमने ले लिया, एंट्री हो रही है। 2 दिन रुकेंगे मैडम, 2 दिन के लिए। अब 2 दिन यहाँ घूमना है गंगोत्री। गौमुख की शायद एंट्री बंद है, अभी पता करी हमने, एंट्री खुले तो गौमुख की तरह सोचेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। भीड़ है, कांवड़ियों का मेला है पूरे गौमुख में। इस रूम में हम पिछले साल भी रुके थे, पिछले साल सिर्फ 1000 रुपये में रूम लिया था, इस बार सीजन की वजह से यही रूम हमें 2300 रुपये का दिया है, और कहीं रूम ही नहीं तो ले लिया। मौका देख के चौका मारा, 2300 रुपये में भी कोई बात नहीं, मौका देख के चौका मारा। पिछले साल यही 1000 रुपये में रुके थे, इस बार 2300, बस ये इसका फायदा है, 5 बंदे आराम से आ सकते हैं। चल कितने की बाल्टी है? 50 रुपये की। 50 मतलब 50 जेब तल रहा अपने, यार तो हद कर रहा हूँ, नाद की बात ना। ये है गंगोत्री में गंगा जी।